सात वर्षों में यही उत्तर प्रदेश जो पहले बिजली के लिए तरसता था, मुझे लगता है आप में से बहुत सारे उद्यमी होंगे जिनके निवेश तमाम ऐसे राज्यों में होगा जहां पर विपक्षी दल कैसा व्यवहार करते हैं कि फलाने नेता का जनपद है तो वहां बिजली नहीं मिलेगी, वहां सड़क नहीं बनेगी, और अगर सड़क बनी है तो उसमें खाई खोद करके आवागमन को बाधित कर देते हैं। ये स्थितियां होती हैं। हम लोग पिछले 30 वर्ष से सार्वजनिक जीवन में रह करके इस चीज को बहुत अनुभव करता हूं, क्योंकि मैंने 2017 के पहले गोरखपुर में देखा है, से सीपी अग्रवाल जी गोरखपुर के उद्यमी हैं, वहां बिजली 4 घंटे मिलती थी हम लोगों को, 4 से 5 घंटे। मुझे अपने मंदिर कैंपस में ही बिजली जलाने के लिए, बिजली तो नहीं मिलती थी तो जनरेटर से हर महीने 5 लाख रुपए का मैं डीजल खर्च करता था जिससे मंदिर कैंपस में लाइट रह सके। अनुमान कर लीजिए आप। और आज उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में बिजली है, कोई भेदभाव नहीं है। इंडस्ट्री को हम लोगों ने ओपन एक्सेस की सुविधा दी है, और साथ साथ हम लोगों ने वहां पर उन्हें यह भी सुविधा दी है कि वह रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से भी वहां पर इस सुविधा का लाभ ले सकता है।